हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कंपटीशन टाइम्स के वीडियो सेशंस। आज एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं और सब्जेक्ट का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इस पर्टिकुलर एक्ट के सभी सेक्शंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन आफ्टर अनदर, और जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज या कंसेप्ट हैं उनको भी मैं इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करूंगा। ज़्यादातर मैंने कोशिश किया है कि वीडियो सेशंस को बहुत ज़्यादा लंबा ना किया जाए और सिर्फ टू द पॉइंट और रेलेवेंट बात ही रखी जाए, ताकि आपके पास कंसाइज नोट्स के फॉर्म में वीडियो सेशंस अवेलेबल हो, ताकि आप शॉर्ट टाइम पीरियड में ही पूरे वीडियोस को और कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकें। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर वन, जो कि सेक्शन नंबर वन से ही रिलेटेड है। आज सिर्फ एक ही सेक्शन हम डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन नंबर वन है। तो सेक्शन नंबर वन को हम आज डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ की नोट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि सीआरपीसी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी हम शुरू में देख लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास सीआरपीसी में क्या क्या खास है जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। इससे पहले मैं सेक्शन नंबर वन को डिटेल में डिस्कस करूं, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। बेसिकली तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि प्री एग्जामिनेशन में स्पेशली काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहली पॉइंट जो पूछा जाता है वो ये कि क्या ये सीआरपीसी एक एडजेक्टिव लॉ है। तो हाँ, ये एक एडजेक्टिव लॉ ऑफ प्रोसीजर है। दूसरा, क्या ये प्रोसीजरल लॉ है? यस, ये एक प्रोसीजरल लॉ भी है। अब बेसिकली अगर मैं लॉ की नेचर्स के बेसिस पर डिविजन करूं या डिवाइड करूं इनको, तो मैं टू पॉइंट्स पर डिवाइड करूंगा। एक सब्सटेंटिव लॉ, किसी भी एक्ट को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। नंबर वन सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉज जो होते हैं वो किसी भी पर्सन के राइट्स या लाइबिलिटीज को एसरटेन करते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी है। आईपीसी पनिशमेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है, यानी कि उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑफेंसेस कमिट की हैं उनके लिए कुछ लाइबिलिटी के लिए प्रोवाइड करता है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई और लॉज हैं जो हमारे राइट्स के बारे में बात करते हों, तो जहां पर राइट्स या लाइबिलिटीज किसी भी एनेक्टमेंट में प्रोवाइडेड होती है वो उसके नेचर को सब्सटेंटिव बना देते हैं। तो हमारा आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ हुआ। अब प्रोसीजरल लॉज क्या होते हैं? प्रोसीजरल लॉज इन राइट्स या लाइबिलिटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स हमें कोर्ट में चाहिए होती हैं उनके लिए एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। मान लो हम किसी पर्सन को पनिश करना चाहते हैं कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है और हम उसे सजा देना चाहते हैं, उसे पनिश करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे उस मामले में? कोई एफआईआर लॉज होगी। एफआईआर कैसे लॉज होगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा? उस मामले में कुछ इन्वेस्टिगेशन भी होगा, जैसे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगी, कुछ सर्चेज होंगी, कुछ अरेस्ट भी किए जाएंगे, उनके लिए भी कुछ प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट में कोई इंक्वायरी भी कर सकती है, उसके लिए भी कुछ इंक्वायरी के लिए भी हमारे पास कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। इसके अलावा मान लो कोई ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल के लिए भी हमें प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है। अपील्स फाइल होंगे, रिविजल्स फाइल्स होंगे, उनके लिए भी हमें प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट है। तो अल्टीमेटली मैं नटशेल में अगर मैं बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि जो सब्सटेंटिव लॉज होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जिन लॉज की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोसीजरल लॉ होते हैं। तो हमारा सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट जो हमको देखना है वो है रेट्रोस्पेक्टिव नेचर। देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अगर कोई भी लॉ जब पास होता है तो एक पर्टिकुलर डेट को पास होता है। उससे पहले भी उस लॉ से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड कोई हो सकता है मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हों। अब उसके संबंध में एक लॉ तो हमारे पास आ गया, तो जिस दिन लॉ आया उस दिन के बाद की जो प्रोसीडिंग्स है या जो भी ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं उनके ऊपर अगर जब भी लॉ अप्लाई होता है तो उसको हम बोलते हैं इसका नेचर प्रोस्पेक्टिव है। एग्जांपल के तौर पर मान लो रेप के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया था 7 ईयर्स की पनिशमेंट के लिए, ठीक है। बाद में एक अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट के बाद काफी सारी कैटेगराइज करा दिया उन्होंने और उन्होंने कहा इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट प्रोवाइड कर दिया उन्होंने क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 जिस पर्टिकुलर डेट से लागू हुआ उस डेट से बाद के लिए, लेकिन 2013 से पहले भी तो रेप की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही होंगी।
तो उनके संबंध में क्या होगा? क्या उन पुराने मामलों में भी उन सबको हम लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिश कर देंगे? नहीं, पुराने ट्रांजैक्शंस के लिए तो जो पुराना लॉ था वो ही रहेगा। यानी कि जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ अब आया है उसका नेचर हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, यानी कि जिस दिन वो पास होता है उस दिन की बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए वो अप्लाई होता है, वो पास ट्रांजैक्शंस की ट्रांजैक्शंस के लिए अप्लाई नहीं होता। लेकिन हमारा जो प्रोसीजरल लॉ होता है उसकी नेचर क्या होती है? उसकी नेचर होती है रेट्रोस्पेक्टिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूतलक्षी, यानी पुराने ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होने वाला। तो हमारा ये सेक्शन ये कहता है, हमारा लॉ ये कहता है कि इसका जो नेचर है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। हाँ, अगर लेजिस्लेचर ये चाहता है कि वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो तो उनको ये स्पेशली रीजन देना पड़ेगा कि क्यों हम इसे प्रोस्पेक्टिव नेचर का बनाना चाहते हैं और कौन कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको, या पूरे लॉ को अगर हम प्रोस्पेक्टिव बनाना चाहते हैं तो एक रीजन बता दीजिए और लेजिस्लेचर में पास कर दीजिए। ठीक है, तो हमने तीन चीजें समझी की पॉइंट्स में। सबसे पहली बात, ये एक एडजेक्टिव लॉ है, दूसरा ये प्रोसीजरल लॉ है, और तीसरा इसका जो नेचर होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो तो रीजन फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये तीन पॉइंट्स अच्छे से अपने जहन में, अपने माइंड में बिठा लीजिए, एग्जामिनेशन में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं इसके। चलो अब आगे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सेक्शन में क्या मेंशन किया है। सेक्शन नंबर वन, बेसिकली देखो, आप कोई भी एक्ट ले लो, मैं सीआरपीसी के बारे में बात नहीं करता, आप कोई भी एक्ट ले लो, कोई भी, उन सभी में जो सेक्शन नंबर वन होता है ना, वो तीन चीजों के बारे में बात करता है। पहला शॉर्ट टाइटल, दूसरा एक्सटेंट, और तीसरा कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि हमारे इस एक्ट का नाम क्या है। जैसे कि हमारे इस एक्ट का नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये इसका शॉर्ट टाइटल हो गया। दूसरा एक्सटेंट, एक्सटेंट यानी इसका विस्तार, ये किन किन जगहों पे लागू होता है, हमारा इतना बड़ा एरिया, हमारा इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया में किस किस पार्ट्स पे लागू होगा, क्या पूरी इंडिया में लागू होगा? हाँ, सीआरपीसी हमारा पूरी इंडिया में ही लागू होगा, लेकिन सर आपने जो यहाँ पर दिया है वहां तो लिखा हुआ है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर ये तो पुराना लिखा है आपने, यहाँ तो लिखा है आपने एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो सर आपने पुराना वाला क्यों लिखा है? देखिए, ओरिजिनली जब 1973 बना था तब ये एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था जिसमें हमारे इंडिया में जो भी एक्ट पास हो रहा था वो सेम नेम से वहां पर लागू नहीं हो रहा था। ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में उनके अपने लॉ हैं, उनकी अपनी सिटीजनशिप है, क्योंकि उसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। लेकिन लेटर ऑन आप लोग जानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट के समय में इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट के बाद अब हमारा जितने भी लॉ हैं, सिर्फ सीआरपीसी नहीं, लगभग सभी लॉज अब स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होते हैं। तो अब ये बात तो पुरानी हो गई कि हमारा स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में ये अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई होता है। ठीक होगी बात, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोविजो को बड़ा ध्यान से समझना आप, ये आपके फ्यूचर में काफी काम आएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, स्पेशली प्री में बनता है। ये कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, यानी कि हमारे जो सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11, यानी कि वो प्रोविजंस जो कि चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 में दी है, इनको छोड़कर देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई, यानी कि सिर्फ तीन चैप्टर को छोड़ दो, 8, 10 और 11, इनको छोड़कर बाकी जितने भी प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के वो सब के सब कहां अप्लाई नहीं होते? नंबर वन, स्टेट ऑफ नागालैंड में अप्लाई नहीं होता। दूसरा, ट्राइबल एरियाज में भी अप्लाई नहीं होता। अब ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होते, लेकिन क्या ट्राइबल एरियाज या ये स्टेट ऑफ नागालैंड अगर ये चाहें तो अपने स्टेट में इस सीआरपीसी को एज अ होल अप्लाई कर सकते हैं? तो हमारा ये सेक्शन कहता है बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी वन ऑफ देम और एनी ऑफ देम टू होल और अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज एज द केस मे बी विद सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ नागालैंड या जो ट्राइबल एरियाज की स्टेट गवर्नमेंट है वो, अगर वो चाहे तो पूरी सीआरपीसी को
उन प्रोविजंस को जो कि लागू नहीं हो रहे थे उनको भी अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो कोई मॉडिफिकेशन लाकर इम्प्लीमेंट करवा सकती है। तो सर क्या पूरा का पूरा सीआरपीसी को ही अप्लाई करवाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सीआरपीसी को ही लागू करना पड़ेगा। अगर वो चाहें तो पिक एंड चूज कर सकते हैं कि हम ये वाले सेक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये वाले चैप्टर्स इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बाकी हम नहीं करना चाहते, तो ठीक है बाकी आप मत करो। तो सर क्या पूरे पूरे नागालैंड में या पूरे ट्राइबल एरिया में ही चेंजेस करने पड़ेंगे? हम कुछ पार्ट्स में भी कर सकते हैं, किसी पार्ट्स में भी कर सकते हैं। मान लो आप चाहते हैं कि ये वाले चैप्टर्स हमारे इस ट्राइबल एरिया के इस पार्ट में अप्लाई हो, ये वाले सेक्शंस, ये वाले चैप्टर्स हमारे इस पार्ट में अप्लाई हो, बाकी पूरे में दूसरे वाले अप्लाई हो, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक चॉइस है, लेकिन हाँ उन्होंने जो यहां पर तीन दी है 8, 10 और 11 ये तो अप्लाई होंगे ही क्योंकि लेजिस्लेचर इसके बारे में प्रोवाइड कर रहा है। ठीक होगी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं और एक्सप्लेनेशन में उन्होंने मेंशन किया है कि बेसिकली जो मैंने अभी शब्द इस्तेमाल किया था ना ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया यानी कि यार जहां पर जो लोग आदिवासी लोग रहते हैं आमतौर पर, बहुत देसी भाषा में बता रहा हूं, बहुत सिंपल टर्म्स में ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ट्राइबल एरिया का मतलब क्या है? देखो ट्राइबल एरिया के बारे में प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पैराग्राफ नंबर 20 के 6th शेड्यूल में दिया हुआ, यानी 6th शेड्यूल का जो पैराग्राफ नंबर 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ट्राइबल एरिया को जिक्र किया गया है, वहां पर डिस्कस किया गया। लेकिन हमारे सीआरपीसी के हिसाब से उनका कहना है वो टेरिटरीज जो 21 जनवरी 1972 से पहले आसाम के ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड हो रही थी उसी को ट्राइबल एरिया माना जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए, एक पर्टिकुलर डेट दी है उन्होंने 21 जनवरी 1972। इस डेट से पहले असम के ट्राइबल एरियाज में जितने भी एरिया थे वो ट्राइबल एरिया माने जाएंगे। तो सर उसके बाद वाले के, उसके बाद वाले ट्राइबल एरिया नहीं माने जाएंगे, उसके बारे में हमारा कोड बोल ही नहीं रहा। हमारे पास कोई तो पैमाना चाहिए ना, कोई तो हमें एक पर्टिकुलर डेट चाहिए जिस डेट से हम कैलकुलेट कर सकें कि इस डेट से पहले वाली डेट्स वाले जो एरियाज हैं, जो लैंड्स हैं, वो ट्राइबल एरिया में फॉर्म करते हैं। ठीक होगी बात। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जो शिलोंग की म्युनिसिपैलिटी का एरिया है वो भी तुम्हारा ट्राइबल एरिया में नहीं आता। ठीक होगी बात। और लास्ट में हमारे पास जो है वो ये कि हमारा जो सीआरपीसी है ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1st day of April 1974 को। नीचे देखिए 1st day of April 1974 को लागू हुआ। देखो डेट्स के बारे में आपको काफी सारा कंफ्यूजन्स आएंगे फ्यूचर में जब कभी भी आप स्टडी करोगे, को खाली एक एक्ट तो आपको पढ़ना नहीं है, बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने हैं, तो सभी एक्ट्स की जो डेट्स होती हैं वो आपस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो अगर एक ही डे में आप बड़े सारी चीजों को, डेट्स को याद करोगे तो वो आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उन डेट्स को किसी की डेट ऑफ बर्थ के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ कोरिलेट करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में जब कभी भी डेट्स की बात आए तो उस इंसिडेंट से या किसी की डेट ऑफ बर्थ से कोरिलेट करके आप उसको वापस रिकॉल कर सको। तो चीजों को जब कभी भी स्टडी करते हो ना, उसे कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाओ, उस कनेक्शन से वो जो इंसिडेंट होता है वो पूरा का पूरा रिकॉल हो जाता है। ठीक होगी बात। तो जहां तक हमारा सेक्शन नंबर 1 का सवाल है उसमें आज के लिए इतना ही। बाकी जो बाकी के सेक्शंस हैं जो कि सेक्शन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हैं, उनको डिटेल में एक एक करके सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस सेक्शन में इतना ही, जल्दी मिलूंगा मैं आपसे बाकी सेक्शंस के साथ। तब तक के लिए मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।